नमस्कार, श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में भी जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है भाषा तथा व्याकरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। तो भाषा वह है जिसमें जब आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं या फिर आप कुछ आपकी गली में कोई सब्जी वाला आ रहा है तो आप उसे मम्मी या लोग आपकी सब्जियां खरीदती हैं, या फिर आप मॉल में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, या आपके दोस्तों से व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो बात करते हैं वो, या बोलकर फोन पे आप देर तक बात करते हैं वो क्या कहलाता है, वो भाषा का यानी जो आपकी फीलिंग्स है वो आपको दूसरों को बता रहे हैं, यानी कैसे व्यक्त कर पा रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा है। तो ये सब क्या है, ये भाषा है। तो हम सबसे पहले थोड़ी सी भाषा की परिभाषा जान लेते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है, जिस साधन द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा की परिभाषा से हमें क्या पता चलता है कि हम अपने भाव या विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, चाहे वो लिखित में हो या फिर मौखिक में, या फिर दूसरों के भावों या विचारों को सुनते हैं, उसको पढ़कर या लिखकर जैसे भी देखते हैं वो क्या कहलाती है, वो भाषा होती है। और भाषा के कितने रूप होते हैं जान लेते हैं। भाषा के तीन रूप है, लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक भाषा। तो भाषा के कितने रूप हो गए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिखित भाषा क्या है। लिखित मतलब कोई चीज जो आप लिखकर व्यक्त करते हैं वो भाषा का लिखित रूप कहलाती है। जैसे आप दोस्तों से व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, या फिर अभी आजकल जो आपके ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं तो उसमें आप जब सॉल्व करते हैं, आपको कुछ डाउट होता है तो आप लिखकर मैडम से पूछते हो, या फिर आप एग्जाम हॉल में जाते हो, अपना एग्जाम देते हो तो वो रिटर्न में लिखते हो, या कोई चीज जो अपनी आपको व्यक्त करनी होती है उसको लिखने के माध्यम से जब आप दिखाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। और भाषा का मौखिक रूप कौन सा है, वो जो ओरली आप कन्वर्सेशन करते हो, चाहे वो घर में मम्मी पापा से कर रहे हो, स्कूल में दोस्तों के साथ में कर रहे हो, फोन पर बात कर रहे हो, या फिर आप कोई गाना सुन रहे हैं, भाषण देख रहे हैं, या फिर स्टेज पर कोई भी जो भाषण दे रहा है आप उसको सुन रहे हैं या आप खुद ही दे रहे हैं जैसे, या फिर मैं आपको जो भी आप पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ लिखवा नहीं रही हूँ, सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ, तो मैं भाषा का कौन सा रूप इस्तेमाल कर रही हूँ, भाषा का मौखिक रूप आपको इस्तेमाल कर रही हूँ। और भाषा का जो तीसरा रूप है वो कौन सा है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जब आप उसको ना लिख के बोलते हैं और ना ही पढ़कर बोलते हैं, आप उसको इशारों में व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आपकी मम्मी आपको या तो इशारे से बुलाती है, या उनको डांटना होता है तो आंख दिखा देती है, या फिर आप जब क्लास में होते हैं तो आप मैडम गुस्से में आपको पुट फिंगर ऑन योर माउथ ना बोलकर आपको सिर्फ इस तरह से बोल देती है तो आप समझ जाते हो कि आपको शांत रहना है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया, ये भाषा का तीसरा हमारा सांकेतिक रूप हो गया। या फिर कुछ गर्ल्स या बॉयज लोग, आप लोग इशारे में जो बातें करते हैं वो सब सांकेतिक भाषा में आते हैं। तो कोई भी जो भाषा होती है, यानी जो हमारी भाषा क्या है, हमारी भाषा राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। और हिंदी की हर भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है, तो हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। तो मैं आपको बता दूं कि लिपि क्या होती है, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी भाषा को आप किसी तरह से क्या लिखना है, किस तरह के आपको उसमें लिपिबद्ध करना है वो क्या कहलाता है, वो लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है कि हम उसको दाएं से बाएं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और उर्दू जो है हमारी वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ऐसे जो हमारी चीनी भाषा है वो ऊपर से नीचे जाती है, और इसी तरह से जापानी भाषा भी ऊपर से नीचे लिखी जाती है। तो जो आपको लिखने का तरीका बताती है लिपि कि कोई भी भाषा किस तरह से लिखी जाएगी। नेक्स्ट है हम फिर हम थोड़ा सा व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। व्याकरण क्या है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। मतलब व्याकरण क्या है,
कि जो आपका सेंटेंस करेक्ट करता है, जब आप इंग्लिश ग्रामर में लिखते हैं तो आपने सेंटेंस मेकिंग वाक्य बनाओ इस तरह से यूज करते हैं कि नहीं, तो वो क्या है, वो हमारा भाषा का व्याकरण वाला रूप है जिसमें आप मिस्टेक्स जो होती है, अशुद्धियां होती है, उनको करेक्ट करते हैं। जैसे कोई आपका कश्मीर से या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी दूसरे राज्य में जाता है और उसको वो भाषा नहीं आती है, तो आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं लेकिन फिर भी वो ग्रामेटिकल रूप से गलत होते हैं। तो व्याकरण हमको क्या सिखाता है कि जब आपको उसकी उस भाषा की व्याकरण के बारे में पता चल जाएगा तो आप उसका क्या है कि जो सेंटेंस है वो सही से बना पाएंगे। अब हम थोड़ा सा बोली के बारे में और जान लेते हैं। तो अभी इस बार जो हमारी बुक है वो अलंकार हिंदी व्याकरण है, आप लोग इसको देख लीजिए, यही इस बार चलेगी। और इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने इसमें भाषा के भेद पढ़ लिए, मौखिक भाषा, लिखित और सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बोली क्या होती है। बोली मतलब भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, जो आप देखते होंगे कि जब आप अलग अलग, मैंने आपको पहले भी शायद किसी क्लास में उदाहरण दिया होगा कि भारत में 3 क्लोकोस पर बोली बदल जाती है, तो वही होता है। बोली जो है वो भाषा का लोकल रूप है। आपने जब आप अपने गांव में होते हैं तो आप गांव में उस तरह की भाषा देखते हैं कि गांव में किस तरह की बोली जाती है, शहर में आते हैं तो वो एक भाषा खड़ी बोली बोल के रूप में यूज होने लगती है, लेकिन जब आप अपने गांव में रहते हैं तो वो भाषा का लोकल रूप होता है, वो बोली होती है। तो इसी तरह से जो हमारी हिंदी है वो संस्कृत से निकलकर बाहर आई है, और बोली जो है वो क्षेत्रीय भाषा का छोटा रूप है। फिर जब उसी को मान्यता मिल जाती है तो वो इसमें भाषा में शामिल हो जाती है। उससे पहले जब छोटी छोटी जगहों पर जो बोली जाती है वो बोलियां कहलाती हैं। तो इतना मुझे लगता है कि आज आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ में हम अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तब दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। नमस्कार।